सब गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और गाइज एक्चुअली मेरा ब्लॉग में मिस हो जाता था क्योंकि मैं तबीयत भी सही नहीं था और उसे भी उसके ऊपर अभी अपी का शादी भी अभी करीब आ रहा है, इसलिए ब्लॉग में रेगुलरिटी भी मैं नहीं रख पाता हूँ। तो अभी भी हम वही काम से भुवनेश्वर निकले हुए हैं, जैसे जब तैयार होकर एक बार आ जाते हैं फिर अभी हम निकलेंगे। बहुत सारा काम रहता है, फिर अभी हम काम खत्म करके घर वापस आते हैं। और गाइस मुझे लग रहा है कल का जो ब्लॉग है आप देख लिए होंगे, अगर आप नहीं देखे मैं आई बटन में दे देता हूँ लिंक, आप जाकर देख सकते हैं। वो टोटल ब्लॉग है 20 मिनट्स का, 20 मिनट्स में हम ट्राई किए पूरा जू को कवर करने के लिए। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जू है, आप जाके देख सकते हैं, हम उसके ऊपर पूरा ब्लॉग बनाए। एक बार आ जाए फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं और आज का जितना अपडेट से मैं दिखाता हूँ। फिर भी गाइस क्या है, ऐसे काम के चक्कर में थोड़ा बिजी रह जाते हैं और ब्लॉग भी नहीं बना पाता हूँ। अब से फिर रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, वही सबसे बड़ी बात है बिजी शेड्यूल के अंदर टाइम निकालना। फिर मैं कोशिश करता हूँ और टाइम निकाल के ब्लॉग बनाता हूँ। जैसे सब निकल के आ जाते हैं फिर कार पे, अभी हम निकलेंगे। और गाइस अभी पहले हम तो आके भुवनेश्वर में पहुंच गए और अभी जा रहे हैं कुछ क्रॉकरी का सामान घर के लिए लाने के लिए। तो पहले वो ले आते हैं और मैं भी अपना मास्क ले लिया हूँ, तो अबू अम्मी को वहीं पे छोड़ के आया हूँ। तो अभी हम आए पटिया पर, भुवनेश्वर पटिया पे ही हैं। यहाँ पे कुछ एक नया स्टोर खुला हुआ है तो मैं चलता हूँ, फिर देखते हैं आज वहाँ से क्या क्या परचेस करके फिर अभी देखते हैं और क्या क्या आज का प्लान है। मेरे को भाई प्लान के बारे में कुछ नहीं पता, क्या लेने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, बट मेरे को बस इतना पता है कार ड्राइव करूँगा, फिर कहीं बोलेंगे फिर मैं वहीं लेके चलूँगा और के साथ साथ गूगल मैप देख के, गूगल मैप के हिसाब से जाएंगे। तो चलिए फिर मैं अब निकलता हूँ। और अगर अभी हम ककरी के सामान जब देख के सब अभी वापस आ रहे थे तो रास्ते ट्रैफिक में हम खड़े हुए थे। ट्रैफिक में खड़े होते वक्त जैसे कि अभी सब बच्चे आ जाते, छोटे छोटे बच्चे, और आपको कुछ सामान देने लगते तो हम नहीं लेते, तो गजब का पलटी साइज वो डाली कि बोली पानी मिलेगा। मेरे को लगा कुछ पैसे मांग रहे हैं तो मैं इसलिए विंडो का ग्लास अभी डाउन किया, पैसे जैसे दिया तो इतना ईमानदार मैं कहीं पर नहीं देखा था। जैसे ही वो अभी मैं उसको पैसे दिया तो वो मेरे को क्या किए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। वो मेरे को क्या की, ये बैलून मेरे को दी, मतलब दी ही नहीं, मैं जैसे विंडो का ग्लास अभी नीचे किया तो ये बैलून मेरे कार के अंदर ही डाल दी। तो जैसे कि अब और ट्रैफिक भी तब छूट गया था, जैसे कि और कुछ भी टाइम नहीं, वो पीछे इतना जो तेज से बाकी जैसे कि मैं उसको और दे भी नहीं सकता हूँ, तो मैं भी ये रख लिया तस्दीक ले लूंगा। बट गाइस ईमानदारी देख रहे हो, तो वो अगर उसको पैसे मिलता है, वो क्या है गाइस मेहनत करके खाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसे होता कोई भी आते हैं तो अगर वो आपको कुछ भी देते हैं, शायद ये आपके ज़रूरत में नहीं भी आए बट आप रख लीजिए, जितने हो सकता है आप मदद कर लीजिए। और वो गाइस वो एक किस्म का ऐसा है कि वो आपको पैसे मांग नहीं रहे, वो मेहनत करते हैं फिर कमाते हैं। और अगर आपके ज़रूरत में वो नहीं भी हो तो उनसे रख लीजिए, क्योंकि हम गाइस देखिए रोज कुछ ना कुछ इधर उधर खर्चे में पैसे जाते ही रहते हैं। यहाँ पे 10-20 रुपये अगर आप उनको देते हो बहुत ही खुश हो जाते हैं, आपसे जितना भी होता है वो आप दे दीजिए। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि पैसे वो नहीं रखी, वो रिटर्न में आपको कुछ दे के चली गई, बहुत ही अच्छा लगा। और वो सिचुएशन में क्या, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था मैं कैमरा निकाल के सारा रिकॉर्ड कर सकूं, इसलिए मैं सोचा कि कहीं पे एक रुक जाता हूं, फिर वहां पे ये सारा मैं आपको डिटेल से बताऊं। और अभी अबू के अम्मू के कुछ लेके आ रहे हैं तो चलिए फिर अभी वो आ भी गए। और गाइस अभी मैं यहाँ पे आया था काम पे, बट यहीं पे बैठ के मैं अपना सारा वीडियोज अपलोड कर रहा था, बड़े कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, फिर एक बड़ा दिक्कत आया। तो चलिए फिर मैं अभी जा रहा हूँ, अभी कार पे बैठ के चार्ज लगाऊंगा फिर अपलोड करूंगा। अब जो कॉपीराइट का सीन था वो अब सॉल्व हो चुका है, अभी जितना जो भी कॉपीराइट था वो पार्ट में अभी डिलीट कर लिया हूँ, वो अभी सब क्लियर है। भाई अभी आ जाने वाला है 8:30 में मेरा वीडियो अपलोड होने वाला है। जब तक गाइस एक ब्लॉग अपलोड नहीं होता है सही से तो शेड्यूल जब तक मैं नहीं डालता हूँ तब तक टेंशन लगा रहता है, तो अब पूरा टेंशन फ्री हो गया और मैं भी चलता हूँ। फिर मैं अभी कार पे आ गया था देखने के लिए कैसे कि मेरा वीडियो अपलोड करूंगा मैं। गाइस क्या मेरे को लगा कि ये कॉपीराइट इरेज नहीं होने वाला है, तो मैं उसके बाद और एक वीडियोज अपलोड कर लिया था। तो एक वीडियोज गाइस क्या है 3 GB का रहता है, एक वीडियो 3 GB का होता है, तो अपलोड करने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए मेरे को लगा आज 8:30 में वीडियोस नहीं आ पाएगा। ये हो गया और अभी मेरे को बहुत ही सुकून मिल रहा है। मैं चल रहा हूँ फिर अभी जा रहा हूँ, कुछ भूख भी बहुत तेज के लग रहा है, कुछ खाकर फिर अभी सारा काम निपटाते हैं और आज का ब्लॉग अपलोड हो गया, 8:30 में ब्लॉग आ जाएगा, अब पूरा सुकून लग रहा है।
और गज अभी हम खाना खा के आ चुके हैं। एक्चुअली स्नैक्स का कुछ हल्का हल्का खाने का प्लानिंग था, बट अभी बैठते बैठते तो डिनर का भी प्लान बन जाता है। तो अभी गज हम लोग डिनर कर लिए यहाँ पे, और आज डिनर बहुत जल्दी से हो गया है, अभी 8 भी बजने वाले हैं, अभी से डिनर हो गया है। तो चलिए फिर अभी जैसे पेट में खाना गिरता है ना तो नींद आने लगता है। मैं चलिए फिर अभी जितना काम खत्म करके जल्दी से अभी घर निकलेंगे, और डिनर का भी रात में कुछ सीन नहीं है, जितना भी काम है पहले वो काम सारा खत्म कर लेंगे फिर अभी घर निकलेंगे। और गाइस फाइनली अब घर पे हम आके पहुंच गए और गेट भी लॉक कर लिया हूँ। तो चलिए फिर मैं फ्रेश हो जाता हूँ पहले, और बहुत तेज़ का नींद भी आ रहा है, तो चलिए फिर मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर नमाज भी पढ़ना है, नमाज़ पढ़ के फिर बाकी अपडेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। एवरीवन, और अब रात के 11:40 ही बजने वाले, तो अभी घर पे भी सब सो गए, सिर्फ अपू शायद जागे हुए हैं और कुछ काम कर रहे हैं शायद। और गाइस अभी क्या एक्चुअली सडनली आप लोगों को ही पता होगा अभी, और सडनली अभी क्या सारा सोशल मीडिया साइट्स काम करना बंद हो गया है। जैसे कि अगर सोशल मीडिया साइट्स अगर काम करना बंद हो जाता है तो वही सबसे बड़ा दिक्कत रहता है, कि कैसे अभी अगर कोई अर्जेंट काम होता है या मैसेज भेजना होता है वो सारा अभी बंद होकर रहता है। जैसे कि व्हाट्सअप का भी कोई मैसेज सेंड नहीं होता है, रिसीव भी नहीं होता है, और स्टेटस भी सीन नहीं होता है, स्टेटस भी आप अपलोड नहीं कर पाते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप के साथ ऐसे नहीं होता है, फेसबुक में भी ये सेम इश्यूज है, इंस्टाग्राम के साथ भी सेम इश्यूज है, ये सारा भी दिक्कत चल रहा है। एनीवे गाइस अभी सबसे बड़ा दिक्कत है सर अभी सोशल मीडिया साइट सब बंद है, तो मैं सोचा था आज का ब्लॉग थोड़ा शेयर वेयर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं कल कर लूँगा। ये क्या है, ये परमानेंटली बंद नहीं होने वाला है, कुछ सर्वर का काम चल रहा है, इसलिए एक रोज आज रात तक ही ऐसे हम लोग का गड़बड़ चलेगा, फिर कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। ये आज पहली बार नहीं हुआ, पहले कई बार भी ऐसे हुआ है। तो आई गेस गाइस चलिए फिर अब मैं चलता हूँ अभी सोने के लिए। आज का ब्लॉग में जितना भी था मैं दिखा दिया हूँ, और कहीं पे तो जाने वाने का वैसे सीन नहीं बना, बस काम में सुधर जितना भी मैं बिजी रहता हूँ वही बीच में अभी टाइम मिलता है तो मैं फ्री होकर फिर ब्लॉग बना लेता हूँ। तो जितने भी टाइम मैं फ्री था तो ये टाइम निकाल कर फिर ब्लॉग बना लिया। आई होप गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और वीडियोज़ कैसा लगा अपने वैल्यूबल कमेंट उस जगह पर जरूर दीजिए, और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा सोशल मीडिया का लिंक्स दे दिया हूँ, तो अभी काम नहीं करेगा तो बाद में कर दीजिएगा। सब सारे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो कर दीजिएगा, फेसबुक इसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर आज हम वापस से मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली से ख्याल रखिए, आप सो जाइए क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया साइट्स काम नहीं कर रहा है। मीट यू सून इन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग, टिल देन गुड बाय। Of my heart in word and silence, let there be peace upon you, O fountain of perfection.